फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने नकली नोट छापने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 25,000 के इनामी बदमाश सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2,57,100 रुपए नकली भारतीय करेंसी सहित नोट छापने के कई उपकरण भी बरामद कर लिए, जबकि इस गैंग के 8 आरोपी अभी भी फरार है। फिरोजाबाद SSP ने आज मामले का खुलासा करते हुए पकड़े गए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया, बाकी फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास की जा रही है। ये आज थाना शिकोवाद पुलिस के द्वारा बहुत अच्छा गुड वर्क किया गया है, जिसमें 2,97,100 जाली जो नोट हैं उनको पकड़ा गया है। साथ में पूरा सेटअप, जो नोट छापने की मशीनें वगैरह हैं उसका पूरा सेटअप पकड़ा गया है। इसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक 25,000 का जो इनामिया है, जो मास्टरमाइंड है इसका तेजेंद्र, वो पकड़ा गया है। और इसके अलावा विक्की और बॉक्सर जो यहाँ का स्ट्रीटर है वो पकड़ा गया है। और इसके अलावा 3 अन्य सदस्य भी इसके पकड़े गए हैं। 9 लोग इसमें एब्सपॉन्डिंग हैं, जो इनके सप्लायर्स हैं वो भी एब्सपॉन्डिंग हैं, तो उसमें उनके ऊपर में भी अभी कार्रवाई की जा रही है। इसमें खास बात ये है कि ये जो स्ट्रीटर है और जो मास्टरमाइंड है, जो मास्टरमाइंड था वो पहले तिहाड़ जेल में उसने सजा काटी है, और वहाँ पर उसने कोरल ड्रॉ फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर सीखा और वहाँ से उसने नोट छापने का जो है वो शुरू किया। इसमें पहले भी ये नोट छापने के जो अपराध है उसमें जेल जा चुका है, और इस बार जब भी ये जल्द बाहर निकलता है तो यही कार्रवाई करता है। तो इस बार इसमें इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और 14 की कार्रवाई भी की जाएगी। खबर कानपुर से है, जहां कुत्ते को बचाने के लिए लोडर से एक बाइक भिड़ गई, जहां युवक को रोड पर खड़ा देख 112 डायल को सूचना दी गई। घायल को तड़पता देख कांस्टेबल अजय कुमार, चालक संतोष कुमार इसे अस्पताल लेकर पहुंचे, वहीं बाइक सवार भाग निकला। बता दें कि युवक का पैर टूट गया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला दिखा, जहां DGP के चाय वाले बयान पर कहा अखिलेश यादव को UP पुलिस पर भरोसा नहीं तो अपनी सिक्योरिटी हटा लेनी चाहिए। वहीं BJP के साथ खड़े नजर आए ओम प्रकाश राजभर विपक्ष को नसीहत दी और कहा बिखरा विपक्ष के लिए दिल्ली की सत्ता बहुत दूर है, फिर भी BJP सत्ता में सुभासपा नहीं बनाएगी और कोई मोर्चा नहीं खोला जाएगा। देखिए, अभी तक जो विपक्ष की एकजुटता, अब जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो आज के तारीख में बसपा कहाँ खड़ी है? बसपा तो सरकार नहीं बना सकती दिल्ली में, सपा सरकार नहीं बना सकती, RJD JDU नहीं सरकार बना सकती, आपके तृणमूल कांग्रेस नहीं बना सकती। मतलब स्टेट वाइज जो पार्टियां हैं वो सरकार कैसे बना सकती हैं दिल्ली में? इनको लामबंद होना पड़ेगा ना। अभी एकजुटता का कोई रूप तो दिखा नहीं, तो जब तक एक मोर्चा बने, मोर्चे में सब लोग शामिल हों, अपना रणनीति जो है उसको तय कर लें कि इस रणनीति पर हम लोग काम करेंगे, एक नेता चुन लें और उस नेता के नेतृत्व में काम चालू करें, तब ना कुछ कहा जा सकता है। अभी तक तो जो आज के तारीख में अभी तक जिस तरह विपक्ष बिखरा हुआ है अभी बहुत दूर है दिल्ली। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Z10 न्यूज़।